आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1 जून को सिवनी जिला अनलॉक हो गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के द्वारा 2 जून को जो दुकानें खोली गई हैं, जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उनका जायजा लिया गया। जिला प्रशासन के द्वारा जिला अधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग स्वयं पैदल बुधवारी बाजार में इसका नज़ारा लेने निकले। उनके साथ प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला और नगर पालिका आदि के अधिकारी कर्मचारी आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिलाधिकारी स्वयं देख रहे हैं। इस तरीके की निगरानी अगर सतत जारी रहती है तो निश्चित तौर पर जो भी प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी आदि के, मास्क लगाने के जो भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों के अक्षरशः पालन के लिए दुकानदार भी पाबंद हो सकते हैं। वैसे एक सुझाव आया था, देखिए, जिलाधिकारी के निर्देश पर सराफा दुकान के अंदर जाकर उसके फोटोग्राफी हो रही है, वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ संभवतः शारीरिक दूरी का पालन होता नहीं दिख रहा है, जिसके चलते देख सकते हैं आप जिलाधिकारी स्वयं डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग सामने से सारी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। संभवतः उन्हें ये लग रहा होगा कि उनके अधीन इसलिए देखिए जो बैठे हुए सज्जन हैं वो मास्क नहीं लगाए हैं, जो नीले रंग की शर्ट पहने हुए हैं, मास्क उनका नीचे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग को ये संभवतः है, ये हमारा आकलन है कि उन्हें यकीन ना हो कि उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से जो भी नियम कायदे कानून हों उनका पालन करवाएंगे, इसलिए वे स्वयं भी वस्तु स्थिति जानने सड़कों पर उतरे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। देख सकते हैं आप पैदल पैदल बुधवारी बाजार का पूरा जायजा ले रहे हैं जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग। ये बुधवारी बाजार में जितने भी सराफा व्यवसायी सहित जिन भी दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति मंगलवार को दी गई थी, उनके द्वारा मंगलवार को दुकानें खोली गईं, जिन्हें बुधवार को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, अलग अलग दिनों में अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र सेक्टर्स जो हैं, ज्वेलर्स को, साइकिल स्टोर्स को, भवन निर्माण आदि अलग अलग क्षेत्र के सेक्टर्स बांटकर उन्हें अलग अलग दिन तय किए गए हैं और उस हिसाब से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अनुभागीय अधिकारी पुलिस पारुल शर्मा आपको दिखाई दे रही हैं, वे स्वयं मुस्तैदी के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग के साथ सड़कों पर जायजा लेते हुए दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग स्वयं पूरे शहर में बुधवारी बाजार, जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। वैसे एक सोशल मीडिया फेसबुक पर कांग्रेस के नेता ओम उपाध्याय की सोशल मीडिया फेसबुक पर अकाउंट पर कल अर्थात 1 जून को एक वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो चुका है। उस वीडियो में भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बाहुबली चौराहे के पास का दृश्य उन्होंने दिखाया। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग को चाहिए कि वे उस पर भी संज्ञान लें, जिन अधिकारी कर्मचारियों को इसके लिए पाबंद किया गया है, वे अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे अथवा नहीं कर रहे हैं। दुकानदारों को जो दिशा निर्देश दिए गए उन दिशा निर्देशों का पालन अक्षरशः सुनिश्चित हो रहा है अथवा नहीं, इसकी जानकारी भी जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग को लेना चाहिए।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई वाली गली में भी दुकानें जिन्हें अनुमति दी गई है वे ही खुली दिख रही हैं, शेष दुकानें बंद हैं और दुकानों के सामने शारीरिक दूरी को बरकरार रखते हुए पोले भी बने हुए हैं। अब जिलाधिकारी का काफिला बुधवारी बाजार में मिठाई वाली गली से आगे बढ़कर दुर्गा चौक की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ कपड़े व्यवसायियों को भी ये देख रहे हैं समाचार एजेंसी की रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए, सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका YouTube का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।